संपूर्ण विश्व भाग रहा है। क्यों? सब पागल है। संपूर्ण विश्व पागल है। आप लोग ये मत समझिए कि मैं अपने आप को छोड़ के कह रहा हूं। सब पागल। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, नक्षत्र, तारागण सब भाग रहे हैं, पागल की तरह भाग रहे हैं। इतने व्याकुल हैं किसी वस्तु की खोज में कि एक सेकंड को कोई खड़ा नहीं होना चाहता। भागते जा रहे, भागते जा रहे। बहुत बार आप लोगों को समझाया गया है कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अर्थात प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव भाग रहा है। कुछ बाहर से भागता हुआ दिखाई पड़ता है, कुछ भीतर से भागता हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव भाग रहा है। और सबकी अलग अलग भागने की प्रवृत्ति है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। किसी दो व्यक्ति की चित्त वृत्ति नहीं मिलती। ये भगवान का बड़ा सुंदर सा पागलखाना है। वैसे तो अगर आप लोग फील करते हो तो हम और एक कदम आगे चल करके सिद्ध कर दें कि भगवान भी पागल। और ये बड़े बड़े संत महात्मा कहलाते हैं ये भी पागल। अब तो आप लोगों को संतोष हो गया होगा। जिस गांव में सब नकटे हो और एक नाक वाला हो तो वहां नकटा होना फैशन होता है, और उस नाक वाले को सारे नकटे कहते हैं, नक्कू है, नक्कू है। तो हम लोग भी पागल हैं। और बड़े बड़े जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र वे भी पागल हैं। और इस विश्व का जो अध्यक्ष है, जिसका ये पागल खाना है, वो भी पागल। ये सारे पागल दो भाग में विभक्त किए जा सकते हैं। इनका पार्टीशन किया जाए तो दो भाग में विभक्त हो जाएंगे। अर्थात कुछ तो किसी वस्तु के लिए पागल है और कुछ उस वस्तु के मिल जाने पर पागल है। तात्पर्य ये कि विश्व का प्रत्येक जीव जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये केवल आनंद के लिए भाग रहा है, केवल आनंद के लिए। और जिनको आनंद मिल गया वो आनंद में पागल है। संत महात्मा और भगवान ये आनंद में पागल है और हम लोग आनंद के लिए पागल है। सब पागल।
संत महात्माओं को जब हम देखते हैं तो कहते हैं बिचारे का गड़बड़। बावरो भयो है लोग, बावरी कहत मोको, और बावरी कहते हम काहू ना बरजी हो, कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो गैया तजो मरिया पै कन्हैया नाही तजी हो। ये संत लोग कह रहे हैं कि ये सब दुनिया पागल है, तो सारे पागल विरोधी पार्टी को पागल कहते हैं, अपने आप को पागल नहीं समझते। पागल की यही पहचान है जो अपने को पागल न माने। ओ संत और भगवान, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दिव्यानंद अपरमेय अपौरुषेय परमानंद में पागल है, लीन है, और जिनको वो आनंद नहीं मिला वो बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं, उस आनंद के लिए व्याकुल होकर ऐसे भाग रहे हैं कि उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि पहले समझ तो ले आनंद है क्या, बनाए आनंद है कहाँ, वो कैसे मिलेगा, ये सब जानने की भी उनको छुट्टी नहीं। तो हम लोग आनंद के लिए पागल हैं, लेकिन एक गड़बड़ है और वो गड़बड़ अनादिकाल से है। मैं बार बार गड़बड़ को आप लोगों को बताता हूं इसलिए कि उस गड़बड़ को मस्तिष्क में धारण कीजिए। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया को बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। वेद व्यास ने कई लाख 4 लाख श्लोक लिखे, लेकिन मुझे ये सबसे अधिक पसंद है। ये काम का है इसलिए, इतना सुंदर लिखा है वेद व्यास ने, इस छोटे से श्लोक में इतनी साइंस भर दी है कि इसके आगे आपको कुछ समझना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। उन्होंने कहा कि देखो तुम सब लोग जो भाग रहे हो आनंद के लिए, वो गलत दिशा में भाग रहे हो। जैसे इलाहाबाद यहां से पूर्व की साइड में है, तुम पश्चिम की साइड में भाग रहे हो, तो इलाहाबाद और दूर होता जा रहा है। तुमको पता नहीं है कि तुम जो आनंद चाहते हो वो कहां है, और ये अज्ञान आज का नहीं है, अनादिकाल का है, और ये अज्ञान भगवान से बहिर्मुख होने के कारण है। कभी आया ऐसा न समझना, सदा से है, भगवान से बहिर्मुख है, भगवान की ओर पीठ किए है जीव, इसलिए भगवान की ओर जो पीठ करता है उस पर माया का आधिपत्य हो जाता है नेचुरल। भगवान प्रकाश स्वरूप है,
प्रकाश की ओर पीठ किया तो सामने अंधकार है, माया अंधकार का स्वरूप है। आदित्य वर्णन तम सब परस्तात वेद कहता है। तो वेद व्यास ने कहा कि चूंकि जीव अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख है, इसलिए माया ने अपना आधिपत्य कर लिया। यद्यपि जीव चित्त है, चित्त और भगवान भी चित्त है और माया जड़ है, यही तीन तत्व है ना, एक भगवान, एक जीव, एक माया। चित भगवान, चित जीव, जड़ माया। तो चित जीव पर, चेतन जीव पर जड़ माया का आधिपत्य है, क्योंकि ये अनुचित है और भगवान विभूचित है। अनुचित माने चित का बहुत छोटा सा अंश। देखिए प्रकाश का स्वरूप होता है सूरज का, हाँ, और तारों का भी होता है प्रकाश का स्वरूप, आप देखते हैं जी हाँ। चंद्रमा का भी होता है, देखते हैं जी हाँ, देखते हैं। और दीपक का भी होता है जी हाँ, देखते हैं। लेकिन करोड़ों दीपक, करोड़ करोड़ वाट के बल्ब लगा दो सारी दुनिया में और सब तारे खिल जाए, चंद्रमा भी खिला हो, लेकिन रात रहेगी, रात नहीं जाएगी। और एक सूरज निकला, रात गई, तो भगवान सूरज है। शेष जितने भी जीव हैं ये अनुचित हैं, इसमें कोई अधिक चित वाले हैं, कोई बहुत कम चित वाले हैं, कोई और बहुत कम चित वाले हैं। जैसे देवता लोग हैं, ये हम लोगों से बड़े चित वाले हैं। यद्यत् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। भगवान कहते हैं वो मेरे ही तेज के अंश हैं, लेकिन जरा वो बड़े, जैसे चंद्रमा उसका बड़ा प्रकाश होता है, तारों में किसी का थोड़ा प्रकाश, किसी का अधिक प्रकाश। आपके यहाँ बल्ब जलते हैं, कोई 0 पावर का, कोई 25 पावर का, कोई 100 पावर का, कोई 1000 पावर का, ऐसे सब जीव हैं। तो जो कम पावर का होता है उस पर माया का आधिपत्य होता है, केवल सूरज पर नहीं होता। इसलिए सूरज आया रात गई, सूरज नहीं आया तो सब इकट्ठे प्रकाश देते रहे फिर भी रात रहेगी। यानी जो बड़ी बड़ी चित शक्तियां हैं दैवी स्वर्गलोक की, उन पर भी माया का आधिपत्य है। अनुचित जो जीव है इन पर है तो कौन सा आश्चर्य है? ये आश्चर्य नहीं है जो हम लोगों पर माया का आधिपत्य है। जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जैसे धन में कुबेर, प्रताप में सूर्य, रूप में कामदेव, ऐश्वर्य में इंद्र, बुद्धि में बृहस्पति, ये जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है जो पूरे माइक जगत में टॉप करती है, इनके ऊपर भी माया का आधिपत्य। केवल सूर्य एक अकेला बचा, और चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे तारागण हो, चाहे टिमटिमाते दीपक हो, ये सब है लेकिन रात है। राकापति षोडश गहिं तारागण समुदाय असकल गिरिन तव लाइए, लेकिन रवि बिनु राति न जाए। केवल भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती विद्रोह करके।
माया जा नहीं सकती भगवान के पास, इसका मतलब ये मत समझना कि माया कोई विरोधी वस्तु है, ऐसा नहीं है। वो भगवान की शक्ति है, भगवान के सामने नहीं जाएगी अगर तो फिर ये सृष्टि भी नहीं होगी। बहुत से लोग समझते हैं कि माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अरे तो उन्हीं के अंदर रहती है, खड़ी होने की बात आप क्या करते हैं। क्योंकि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूर्यते सचराचरम, ये सृष्टि जो आपके सामने है ये माया से बनी है कि भगवान से बनी है, दोनों बातें आप शास्त्रों में सुनते पढ़ते हैं, लेकिन दोनों से बनी है। मैं भगवान है, अगर भगवान ही सृष्टि बनता तो फिर इसमें माया का कहीं लवलेश न होता। जैसे भगवान का लोक है गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, वहां कोई मायिक पदार्थ नहीं है, वहां का सूर्य, वहां का चंद्रमा, वहां की पृथ्वी, वहां का जल, वहां का तेज, वहां का वायु, वहां का आकाश, ये मटीरियल नहीं है, सब स्पिरिचुअल दिव्य। वहां ये सूरज नहीं जा सकता, न तत्र सूर्यो भात, न चंद्र तारकम, लेकिन माया है, क्योंकि माया को भगवान की शक्ति है। देखिए जब महाप्रलय होता है तो क्या होता है, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा में मिल गए, पंच तन्मात्राएं अहंकार में मिल गई, अहंकार महत्तत्व में मिल गया, महत्तत्व प्रकृति में मिल गया, माया में, और माया भगवान में नहीं हो। माया की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, वो तो अपरा शक्ति है भगवान की, शक्ति शक्तिमान से पृथक हो ही नहीं सकती। और देखो ये जगत माया का है, हाँ है, ये माया का है ना, हाँ, ये पृथ्वी माया की है, हाँ हाँ, इसमें भगवान सर्वव्यापक है कि नहीं है, तो फिर जहां माया है वहां भगवान है कि नहीं है। ये तीनों में तीनों रहते हैं, ध्यान दीजिए, भगवान में जीव है, भगवान में माया है, जीव में भगवान है, और जीव में माया है, माया में जीव है, माया में भगवान है, इन तीनों में त्रैत रहता है। अब ये अलग बात है कि यहाँ जीव माया के अंदर में है और वहां भगवान के अंदर में है माया, इतना सा अंतर है, लेकिन माया वहां भी है। और वो माया नौकरानी है, भगवान की शक्ति है इसलिए नौकरानी है, क्योंकि अंदर में है। क्षरम प्रधान ममिता क्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एक, वेद कहता है एक क्षर तत्व है माया, एक अक्षर तत्व है जीव, और एक इन दोनों पर शासन करने वाला तत्व है भगवान। तो जो शासन करने वाला है वो सदा साथ रहेगा, वरना शासन कैसे होगा। एक बटे सौ सेकंड को अलग नहीं हो सकता भगवान, न माया से न जीव से। अरे और बात छोड़ो, ये तो मानते हो ना कि या आत्मनिष्ठति, ये जीव भगवान में रहता है अथवा जीव में भगवान रहता है, अंदर के अंदर।
जीव में भगवान बैठकर जीव में चेतनत्व दान करता है, प्लस बुद्धि मन इंद्रियों को तत् तत् मत करने की पावर देता है, प्रति सेकंड रहता है। जब तक जीव की सत्ता है तब तक भगवान उसके साथ रहेगा, और जीव नित्य है इसलिए भगवान का संग भी नित्य होगा। इसलिए वेद कहता है चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान। अरे चेतन जो जीव है उसको चेतनत्व दान कौन करेगा? ये हाथ है, ये हिल रहा है, ये चेतन नहीं है, हाथ तो जड़ है। आत्मा के कारण हाथ जैसे हिलता है, मुख बोलता है, कान सुनता है। जब कोई मर जाता है तो हाथ भी है, कान भी है, आंख भी है, कोई फर्क नहीं होता। आत्मा निकल गया, अब उसका शरीर शव हो गया, पंच महाभूत का एक पुतला रह गया। तो जैसे आत्मा की शक्ति से इंद्रिय मन बुद्धि वर्क कर रहा है, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा की शक्ति से वर्क करता है। तो नित्य संग है परमात्मा का आत्मा के साथ, वो नित्य माया के अंदर में है आत्मा। ध्यान दो, देखो तीनों एक जगह पर है। जीव में भगवान बैठकर गवर्न कर रहा है। गवर्न करने का मतलब ये नहीं कि जितने वर्क हम करते हैं भगवान कराता है, ऐसा नहीं। वो वर्क करने की पावर देता है, आप क्या वर्क करें ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे पावर हाउस ने आपको पावर दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, अब आप कमरा गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, या तार पकड़ के मर जाइए, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, पावर हाउस का जिम्मेदार नहीं है। पावर हाउस ने कृपा करके आपको पावर दे दी, अब आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें उसका दंड आप भोगे, क्योंकि उसके कर्ता आप। तो ये जो सुना जाता है कहीं कहीं लिखा हुआ या आम अज्ञानियों में तो खास तौर से है कि जो कराता है भगवान करता है, जो करे सो हरि करे हो कबीर कबीर वही होता है, जो मंजूरे खुदा होता है इत्यादि जो आप सुना करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र वेदांत में एक सूत्र बना दिया है, परात्तच्छ्रुते, अर्थात उसको कराने वाला है, अगर वो न करावे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कितना गोलमाल है भाषा में, अगर वो न करावे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब भोले भाले लोगों ने कहा ऐसा है, एष एव साधु कर्म कारयति, एष एव असाधु कर्म कारयति। अब सुनने वालों ने कहा तो बिल्कुल ठीक है, फिर वही कराते ही, हम तो पहले से कह रहे थे। लेकिन एक प्रयोजक कर्ता होता है, एक प्रयोज्य कर्ता होता है, यानी भगवान पावर देता है लेकिन करने का अधिकार आपको देता है। स्वतंत्र क्रियमाणे वैक तो भगवता विदा, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। जब फल भोगने का नंबर आया तो आप इतराज करते हैं, भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ। भगवान भगवान ने नहीं किया, और किसने किया? भगवान ने किया जो तुम कहते हो ये भी ठीक है, लेकिन ये जो तुमको दंड दिया भगवान ने ये क्यों दिया? कोई कैदी कहे कि जज ने हमको 10 साल की सजा दे दी, ये बदमाश जज। जज कहता है भैया मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुमने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं उनका प्रमाण मिल गया है, इसलिए हमने दंड दिया है ताकि तुम भविष्य में अपराध न करो। तो भगवान कहते भाई तुमने कर्म किया खराब, उस समय तुमने नहीं सोचा कि जब इसका फल भोगना पड़ेगा तो क्या होगा।
तुमको उस समय सोचना चाहिए था, जब तुम खाना खाते हो तो सोचते हो ना क्या खाना चाहिए कि शरीर को फायदा हो, किस किस चीज में विटामिन ए है, बी है, सी है, किस में प्रोटीन है, किस में लोहा, तांबा इत्यादि धातुएं हैं, कितनी लिमिट में खाना चाहिए, ये क्यों सोचते हो? क्योंकि शरीर रखना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर ठीक ठीक नहीं सोचते, अंड बंड खाए जा रहे हो, तो तुमको ये भी समझे रहना चाहिए कि फिर डॉक्टरों का फायदा करोगे, क्योंकि बीमारी शुरू हो जाएगी। अरे साल, दो साल, दस साल, मान लो युवावस्था में किसी प्रकार घप गया, उसके बाद फिर वो जो गड़बड़ी अंदर सब कमजोर कर चुकी है पार्ट्स को, वो सब फिर निकलेंगी एक एक करके। अरे हमारा हार्ट तो कभी खराब नहीं था, ये हार्ट अटैक क्यों हो गया? अरे खराब हो रहा था, लेकिन युवावस्था में काम चलता रहा और तुम नहीं समझ सके। जब एकदम हालत खराब हो गई तब तुमको आइडिया हुआ। तो ऐसे ही हम जब कोई भी गलत काम करते हैं, वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, तो उस समय तो हम कहते हैं देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो आप जब आ गया तो फिर देखा जाएगा, आप देखो उसको, परेशान क्यों होते हो, क्यों इतराज करते हो कि हमको भगवान ने, देखो एक बेटा था वो भी भगवान ने छीन लिया, हमारे पड़ोसी के साथ बेटे थे तो आठवां हो गया, ये कौन सा न्याय है भगवान का? क्यों भगवान को पूछते हो? भगवान केवल फल देता है और कर्म करने की शक्ति देता है। दोनों पॉइंट पर ध्यान दो, सारी बात इसी दोनों पॉइंट पर निर्भर है। भगवत प्राप्ति तक नहीं भूलना। भगवान इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा आदि में कर्म करने की शक्ति देता है, एक काम तो ये करता है भगवान। दूसरा, बिना कहे, बिना तनख्वाह दिए, बिना पे किए, वो हमारे पूर्व कर्मों का फल देता है। क्यों? अब क्यों, क्या उसकी आदत है कृपा करने? हमने तो कहा भी नहीं था कि हमने जो पूर्व जन्म में साधना की थी उसका फल दे दो, दे दिया उसको। हम कहीं ढूंढने नहीं गए, लेकिन हमको एक संत मिल गया। हमने प्रयत्न नहीं किया, हमको ये फल मिल गया। तो ये मिल गया, ये कोई अकस्मात आसमान से नहीं गिरा। वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, उसने दिया। वो कृपा करता है, डिक्लेयर नहीं करता, चोरी चोरी कृपा करता है। और तुम लोग छोटा सा काम भी अच्छा करोगे तो चाहते हो कि अखबार में निकल जाए, हमने $10,000 दान किया, पेपर में निकल जाए, जरा नाम हो जाए। और भगवान इतना काम करता है हमारा, लेकिन चुप चुप प्राइवेट भीतर बैठकर। तो देखो, जीव में भगवान नित्य साथ और जीव में माया, क्योंकि माया के अंदर में है जीव, वो भी नित्य, इसलिए जीव, माया, भगवान तीनों सदा साथ, किसी का किसी से वियोग हो ही नहीं सकता। लेकिन कमाल ये है कि भगवान को जीव नहीं जानता, इसलिए सारी गड़बड़ पैदा हो गई। तो वेद व्यास ने कहा कि तन माया तो उसकी माया से अस्मृति भूल गया, भगवान को भूला, अपने आप को भूला, दो बात भूला। ध्यान दो, इस जीव ने अपने को भुला दिया
और जब अपने आप को भुलाया तो भगवान को भूले गए। जैसे मैं चित अंश हूं, भगवान का अंश हूं, ये जीवात्मा, अब ये भूल गए। जब ये भूल गया तो अपने अंशी को याद क्यों करेगा? अब तो अपने आप को आत्मा नहीं मानता, शरीर मानता। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पंजाबी, बंगाली, मद्रासी हूं, ये सब गोबर गणेश ज्ञान भर गया उसकी खोपड़ी में। मैं आत्मा हूं ये ज्ञान ही नहीं है उसको। अब सुनता जरूर है, ज्ञान को सुनता है, पढ़ता है, अरे लेक्चर भी दे लेता, मैं आत्मा हूं। लेकिन रियलाइजेशन नहीं है, एक सेकंड भी नहीं लगता, भूल जाता है। अभी तो कह रहे थे आप कि मैं आत्मा हूं, हां, और अभी किसी ने कहा तुम गधे हो, बदतमीज हो, बेवकूफ हो, क्या कहा? क्यों आया तुम तो आत्मा हो, न गधे हो, न बेवकूफ हो, न बदतमीज हो, क्यों बुरा माने? शरीर मानकर मानोगे, आत्मा मानने में गड़बड़ी नहीं होती। जब शरीर माना तो सारी बीमारियां आ गई। ये मेरी मां, मेरी मां, अरे हजार बार तुम उसकी मां बन चुके हो, लाख बार तुम उसके बाप बन चुके हो अपने बेटे के, करोड़ बार तुम अपनी बीवी के पति और पति की बीवी बन चुके हो। अरे जीव तो 84 लाख में घूम रहे हैं अनाज काल से, तो अपने जूनियर के वो बेटे बनेंगे? आपके बाप मर गए तो कहां जाएंगे वो? पैदा होंगे ना कहीं? आप कोई भगवान के लोग थोड़े चले जाएंगे सब, जो माया बद्ध थे कहां पैदा होंगे? वही अपने नाती पोते में फिर पैदा होंगे, हम उनके पूर्वज हो जाएंगे, फिर हमारा फोटो टांगेंगे वो, फिर हम मरेंगे तो फिर अपने बेटे पोते के बेटे बनेंगे, तो फिर हम उनके पुरखे, वो हमारे पुरखे, यही नाटक चल रहा है। अनंत बार ये नाटक हो चुका है। तो हमने जब अपने स्वरूप को भुला दिया, अपने को देह मान लिया, तो फिर देह के सुख को अपना सुख मान लिया, बस अब गड़बड़ शुरू हो गई। जब मैं देह हूं तो देह के सुख देने का एम हमारा है, तो फिर पैसा कमाओ, क्या होगा पैसा? पैसे से सामान आएगा, क्या होगा सामान का? इंद्रियों को सुख मिलेगा। लेकिन तुम तो आत्मा हो, है? ये सब मैं क्या करने लगा? मैं आत्मा हूं, फिर मैं देह के, इंद्रियों के, विषयों के, सुखों के द्वारा आत्मा को सुखी करना चाहता हूं? ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये तो अननेचुरल है। आत्मा दिव्य है, शरीर पंच महाभूत का मटीरियल है, संसार मटीरियल है, तो शरीर का सब्जेक्ट संसार है, क्योंकि दोनों मटीरियल है। अब आत्मा दिव्य है, उसका सब्जेक्ट परमात्मा ही होगा, ही। तो चूंकि हमने अपने आप को भुलाया, इसलिए भगवान को भी भुला दिया, वो अपने आप भूल जाएगा। भगवान नाम की कोई चीज भी है ये कल्पना भी नहीं हो सकती, और कोई कहेगा भी तो हंस देगा, और अगर सीरियसली सुन भी लिया, हाँ ठीक है, वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन ऐसा है कि अपने करोड़पति बनना है, हाँ सुन भी लिया, समझ भी लिया, सिर भी हिला दिया, हाँ बहुत अच्छा ज्ञान दिया गुरु जी ने, लेकिन एक लेकिन लग गया, और फिर अपने जहां के तहां खड़े, कोई चेंज नहीं। तो अपने आप को भुला देने के कारण, हम अपने को शरीर मानने के कारण,
अपने को पंच महाभूत का पुतला मानने के कारण इस पंच महाभूत के जगत के विषयों में भाग रहे और ढूंढ रहे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दिव्यांग। तो बारी मथे बरु होई घृत असिकता ते बन तेल। अरे बालू से तेल नहीं निकल सकता, और अगर निकल भी आवे तो भी इस संसार से सुख नहीं मिलता। ये बात आप लोग बहुत अनुभव कर चुके हैं, एक दो बार नहीं। लेकिन वो जो पहला पॉइंट आपने भुला दिया, मैं आत्मा हूं, तो वो सारा समझा हुआ नासमझ बना देता है। और ये आपके सामने बलवान हो जाता है, मैं शरीर हूं। ये आप नहीं भूल पाते, मैं शरीर हूं, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा पति हूं। ये सारी दुनिया में जो क्रांति हो रही है, ये क्या है? इसलिए पहले तो देश देश का हिसाब बैठाया लोगों ने, देशभक्ति करो, ये हमारा देश, वो तुम्हारा देश, बंटवारा हो गया देश देश का, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, ये हमारा देश, वो तुम्हारा देश, ये हमारा प्राण, वो तुम्हारा प्राण। बस ये इतना घटते 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 एक परिवार में, एक शरीर में भी आ गया सिमट करके, और सर्वत्र क्रांति हो गई। अगर हम अपने को आत्मा मानते, ध्यान दीजिए, अगर दुनिया के सारी गवर्नमेंट केवल एक सिद्धांत का प्रचार करे, हम सब आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का पुत्र है, इसलिए हम सब भाई भाई, ऐसे तो समझाना नहीं चाहते हो, कहते हैं कि ऐसे बोलो हम सब भाई भाई हैं, ऐसे कैसे समझेगा कोई भाई भाई अपने आप को? जो फैक्ट है वो पहले वो माने, अभी जानता ही नहीं तो माने कैसे? आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। सभी आत्माएं भगवान के पुत्र है, नंबर एक, सभी आत्माओं में परमात्मा बैठा है, नंबर दो। अब बोलो क्या है हिंदू, क्या है मुसलमान, क्या है ईसाई, क्या है चाइनीज, खोपड़ा, दुनिया भर के नाम जो धरे हैं आप लोग, मनुष्यों में भी इतने सारे हैं और 84 लाख में तो अलग अलग है। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, गधा है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, वो तो दूर की छोड़ो, जो सजाती है मनुष्य मनुष्य, वहां भी इतनी बीमारी पाल लिया है हमने, ये हमारी बुद्धिमानी। आप लोग कहते होंगे रशिया, अमेरिका इत्यादि बहुत बुद्धिमान देश है, खरबों रुपया खर्च करके, खरबों डॉलर खर्च करके इतनी साइंस की उन्नति की। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिन रात भयभीत तो परेशान है, और पूरा वो पश्चिम की तरह जो विरोध के दो देश हैं रशिया अमेरिका, वो दोनों कहते हैं आओ भाई साहब हाथ मिला ले, हथियार कम कर दो, रोज बैठक हो रही है, हथियार कम कर दो, नहीं तो ऐसा है कि भाई साहब तुम भी नहीं रहोगे हम भी नहीं रहेंगे। ते बनाया क्यों? हाँ बात तो ठीक है, एक खरबों रुपया खर्च करके बनाया, अब करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके उसको नष्ट करो, और बड़े बुद्धिमान, इतनी बड़ी बुद्धिमानी की बात देखो। अरे उस रशिया अमेरिका में भी गरीब लोग भरे पड़े हैं लाखों, उनका ही ख्याल कर लेते तुम, क्यों खरबों रुपया इसमें फूंका तुमने, अब उसको नष्ट करने में भी रुपया फूंक रहे। अच्छा भाई आधा कम कर दो, अच्छा भाई तिहावा कम कर दो, अरे इससे भी नहीं काम बनना,
बहुत साल पुरानी बात है, हमारे देश में अमेरिका का राष्ट्रपति आया था एक आइजनहावर, मैं उस समय दिल्ली में था, तो उसने अपनी स्पीच में एक सेंटेंस कहा, हमको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि गॉड ने हमको पावर दी है मटेरियल, लेकिन गॉड हमको सद्बुद्धि भी दे कि हम इसका ठीक ठीक उपयोग कर सकें। एक पुरानी बात है, कितनी अब आज तो साइंस कितनी आगे हो गई उसके आगे आइजनहावर के जमाने से लेकर के, लेकिन उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि वो सद्बुद्धि दे कि सद्बुद्धि सद्बुद्धि कब आएगी, जब सत को मानो। अभी तो तुम सत को मानते ही नहीं, असत को मानते हो, अपना एम संसार, इसमें सुख है। अरे मोटी अकल की बात समझो, अगर खरबों डॉलर का कोई एक मकान बनावे, एक मकान में खरबों डॉलर लगा दे, सब हीरे हीरे चढ़ दे उसमें चारों तरफ, करोड़ों कोहनूर हीरा की तरह उसमें हीरे लग जाए, और एक आदमी उसमें कह दिया जाए कि आप इसके मालिक हैं, लेकिन वो आदमी पागल हो, वो आदमी पागल हो, नॉर्मल लो, तो बताओ वो आदमी इतनी बड़ी उस वैभव की वस्तु का कैसे सही उपयोग करेगा, उसको क्या सुख मिलना है उससे। तो हमारी जो भीतर की मशीन है, अंतःकरण, जिसको मन बुद्धि आदि कहा जाता है, उसको ठीक करने का कोई साधन है रशिया के पास, अमेरिका के पास, चाइना के पास, इंडिया के पास, तो एक ही उत्तर मिलेगा कि भगवान के द्वारा वो मशीन ठीक होगी, वो चाहे अमेरिका बोले चाहे इंडिया बोले, यही बोलना पड़ेगा कि भीतर की मशीन अंतःकरण की शुद्धि भगवान के द्वारा होगी, और वो तब होगी जब हम अपने आप को आत्मा मान लें, अन्यथा नहीं हो सकती। तो अपने आप को अगर हम आत्मा मान लें तो हम पागल तो रहेंगे, लेकिन फिर हम उस आनंद के सही पागल हो जाएंगे। अभी उस आनंद के पागल हैं, लेकिन उस आनंद के गलत पागल हैं। ध्यान दो, यानी चाहते तो हम वही आनंद है जो तुलसीदास, सूरदास, मीरा को मिला, आनंद तो वही चाहते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च, हमारी खोज गलत जगह पर हो रही है। खोजना गलत नहीं है, लेकिन एरिया गलत है। हम चूने के पानी को मथकर मक्खन चाहते हैं, दूध में मक्खन होता है, चूने के पानी में मक्खन नहीं होता। तो इसलिए जब हम अपनी स्थिति को ठीक ठीक समझ लेंगे तो हम पागल तो रहेंगे, लेकिन सही पागल हो जाएंगे, वास्तविक आनंद के लिए हम दीवाने होकर भागेंगे, फिर हम जगत के पदार्थों में आनंद की खोज नहीं करेंगे। और जब ठीक ठीक खोज करेंगे तो फिर उसके पाने में कुछ परिश्रम नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ करना नहीं है, इतना इजी है। धावन नीलवा नेत्रे न स्खले न पते दिय, वेद व्यास कहते हैं कि भगवान ने तो इतनी कृपा की है अपने आनंद को देने के लिए कि आंख नहीं है आपके, कोई बात नहीं, कान भी खराब है, कोई जरूरत नहीं, जबान भी आप गूंगे हो, कोई जरूरत नहीं,
पैसे भी नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, हाथ भी नहीं उसकी भी जरूरत नहीं। अगर कोई पर्सनैलिटी है तो उसके मन अवश्य होगा। भगवान कहते हैं मन हमको दे दो और हम कुछ नहीं चाहते, बाकी सब चीज संसार को दो, मन हमको दे दो, बस एक छोटी सी चीज मांगते हैं और उस मन को लेकर के हम निहाल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा मन तो अनादिकाल से गंदा है। ये जो शरीर है आपका, जो चमड़ा दिखाई पड़ता है चिकना चिकना ऊपर से, अगर किसी डॉक्टर से पूछो या अपने पेट के भीतर झांक के देखो तो उल्टी होने लग जाए आपको, इतनी गंदगी भरी है जिसके लिए हम दीवाने घूमा करते हैं चारों तरफ शरीर के पीछे। केवल गंदगी गंदगी ही है इस शरीर की। एक भी चीज आप पसंद नहीं करते, अगर इसमें की एक चीज आपके कमरे में रख दी जाए तो दो चार दिन में ही आप कमरा छोड़ के भाग जाएंगे। खून रख दिया जाए, मांस रख दिया जाए, कफ रख दिया जाए, मल मूत्र रख दिया जाए, जितनी भी चीजें आपके शरीर में है ये अगर निकाल करके आपके कमरे में रख दी जाए तो आप उस कमरे में रह नहीं सकते, इतना गंदा शरीर है। लेकिन इससे अनंत गुना गंदा मन है आपका अंतःकरण। अनंत भगवान के अवतार आए, अनंत संत आए, लेकिन तस्त मस्त नहीं हुआ मन, डटा हुआ है अपनी जगह पर। सब सुनते हैं, सब मानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर अवतरण हो जाते। वो मानना भी बस कुछ सेकंड का होता है। अरे जैसे आप अपने आप को मानते हैं, जो मैं कल सत्संग भवन में बैठा था वही मैं रात को अपनी खाट पर सोया, वही मैं सपना देखता रहा अमुक अमुक, वही मैं गहरी नींद में सो गया तो कुछ भी अनुभव नहीं किया, वही मैं उठा तो फिर मैं वही मैं, जो मैं था इंग्लैंड में वही मैं, जो मैं था 20 साल पहले वही मैं, हर समय मैं को आप लोग अनुभव करते हैं। ऐसे ही आपको अनुभव करना चाहिए ना, मेरा वो मेरा वो मेरा वो, क्योंकि वो मैं में ही बैठा है, इतनी नजदीक बैठा है कि नजदीकी भी उससे दूर है। ध्यान दो, नजदीकी जो होती है जैसे दो बाल हैं, सिर के बाल दो लो और सबसे नजदीक उसको रख दो, सबसे नजदीक मिले ना बस, तो सबसे नजदीक दोनों बालों को रख दोगे तो कहोगे ये सबसे नजदीक रखा है मैंने, अब इससे नजदीक करेंगे दोनों बाल मिल जाएंगे। हाँ, ये जो सबसे नजदीक आपने रखा है दोनों बालों को, उससे भी नजदीक है भगवान आपसे, क्योंकि वो आपके भीतर बैठा है, आत्मा के भीतर। जैसे दूध में घी व्याप्त है, जैसे तिल में तेल व्याप्त है, ऐसे बैठा है, कहीं ढूंढना नहीं है उसको। मथुरा जाए, वृंदावन जाए, कि वो लोग जाए, कि बैकुंठ जाए, इतना इजी है, इतना सरल है। कोई कर्म नहीं चाहता अपने पाने के लिए, आनंद देने के लिए कोई मूल्य नहीं मांगता। अच्छा चलो मुंह से मांगना तो पड़ेगा, हे भगवान आनंद दो, बिल्कुल नहीं, भगवान शब्द न बोलो काम बन जाएगा। कहीं जाओ नहीं, कुछ मुख से बोलो नहीं, कुछ हाथ से करो नहीं, पैर से कहीं चलो नहीं, कान से कुछ सुनो नहीं, कोई चीज की किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, इतना सरल है।
अगर वो उसका कोई रूप वो भी नहीं, कोई नाम उसका वो भी नहीं, वो कहता है तुम मेरा नाम गधा रख लो, सुअर रख लो, जो चाहे तुम मेरा नाम रख लो, जो चाहो मेरा रूप बना लो, जो चाहे मुझे कपड़े पहना दो, जो चाहो मुझे खिलाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि, मैं सब ले लूंगा तुम्हारी गंदी चीज। देखो संसार में भी लोग अपने लेबल देखते हैं, लेबल, करोड़पति की लड़की है तो भाई करोड़पति के यहां ब्याह होना चाहिए, लड़की बड़ी सुंदर है लड़का भी सुंदर होना चाहिए, भाई देखो लेबल देखते हैं, लेबल। और हमारा तन मन प्राण सब गंदा, तो हमको हमारे लेबल के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हारे लेबल में आ रहे हैं, तुम हमारे लेबल में नहीं आ सकते, हम तुम्हारे लेबल में चल रहे हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार बनेंगे। यमे वैश वृणुते न लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु त्वं स्वम, वो वरण करने को तैयार बैठा है, आ जाओ। और फिर भी अनाद काल से अब तक हम बहिर्मुख हैं, इसका कारण इतना समझने पर भी और भगवान के शरणागत न होना, इसका कोई विशेष रहस्य होगा, होगा फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।